हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से रो और कॉलम को डिलीट किया जाता है। पर्टिकुलर आप जिस रो को डिलीट करना चाहते हैं बड़ी आसानी से डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ नंबर ऑफ डिजिट हमको दिया हुआ है, इसको बोलते हैं कॉलम। ये होता है पूरा कॉलम, ये होता है रो। ये अलग अलग जो दिख रहा है ये रो होता है। यदि आप इसमें से कोई भी कॉलम या रो आपको नहीं चाहिए तो कैसे डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए, तो यहाँ पे जब सेलेक्ट करते हैं ये लिखा हुआ रहता है ABCD, इसमें सेलेक्ट करेंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट होता है। तो इसमें जब सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमको डिलीट का ऑप्शन देते हैं अलग अलग टाइप का। अब जस्ट यहाँ पे अब क्लिक करते हैं तो कॉलम के सिलेक्शन में हैं आप, तो इसको जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाकर डिलीट कर सकते हैं। तो वो डिलीट हो जाएगा, जितना आपका सेलेक्ट हुआ रहेगा वो कॉलम जो है डिलीट हो जाता है काफ़ी आसानी से। जैसे ये हमारा दो बार क्लिक हो गया, ये हमको क्लिक करना है यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, तो हमारा जो पहला वाला कॉलम है वो डिलीट हो गया है और जो साइड में था वो कॉलम यहाँ पे आगे सेट हो गया है। सेम चीज़ अगर मुझे रो में करना है तो रो को क्लिक करके यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, ये रो डिलीट हो जाएगा। इस रो को क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ये रो डिलीट हो जाएगा। तो ये काफ़ी आसान है। दूसरा तरीका होता है रो और कॉलम को डिलीट करने का। यदि मैं इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमको ऑप्शन देता है डिलीट का, तो यहाँ से भी हम डिलीट कर सकते हैं चाहे तो। यदि मुझे इस कॉलम को डिलीट करना है यहीं से, तो राइट क्लिक करके ये डिलीट कर देंगे तो आसानी से डिलीट हो जाता है जो भी हमको डिलीट करना है। तो ये काफ़ी आसान है। इसमें जो डिलीट करना कोई भी कॉलम या रो को काफ़ी इजी है। तो आज के लिए बस इतना ही।